लोग सलाह करते हैं कि हमें ख्याल नहीं रहता, जो काम करना है वो काम याद दे रहते नहीं, वो भूल जाते हैं और फिर बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मैं कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ ये वीडियो में। तो आपको स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ हूँ और महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आप जब बाजार से कुछ माल खरीद के लाते हो, समझो आपने कोई कपड़े लाए, कपड़े खरीद लिए, तो घर में आने के बाद में आप क्या करते हो, वो कपड़ों को आप जगह पे रख देंगे, कपबोर्ड में रख देंगे या जो भी उसका मतलब जो जगह है वहाँ रख देंगे। अनाज लाया, कोई किराना लाया, तो फिर वो बाजार से खरीद के लाया तो फिर अब वो उसको जगह पे रख देंगे। आपने पैसा कमा के लाया होगा, पैसा लाया होगा, तो उसको भी कहीं जगह पे रख देंगे। तो आपके कपड़े कहीं रखेंगे, वो किराना या अनाज है उसको वहाँ कुछ रखेंगे, खाने की चीज़ें और लाई होंगी तो वो कहीं रख देंगे। मतलब हर एक की जगह है रखने के लिए, और जब आपको चाहत है उसकी या मतलब चाहिए तो आप जाके वहाँ से वो चीज़ निकाल लेंगे। आपके थॉट्स आप कहाँ रखते हो, आपके विचार कहाँ रखते हो? 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं दिमाग में, और उसमें के कुछ ऐसे रहते हैं कि जिसके ऊपर मैंने एक्शन लेना जरूरी है, कृति करना जरूरी है, वो ख्याल रखना जरूरी है। फिर हम ख्याल दिमाग में रखते हैं और बाद में फिर बहुत सारे विचार यदि दिमाग में रखे तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए जो मैं बताता हूँ लोगों को, वो बोलता हूँ कि पेन इट डाउन, पेन इट डाउन, इसका मतलब लिख के रखो। और लिख के रखो तो आप लिख के रखने के लिए आपके पास में एक डायरी हरदम होना चाहिए, आपके जेब में आपके पास में डायरी पेन है, ताकि थॉट आया, जिसको हम बोलते हैं एक्शनेबल थॉट, जिसके ऊपर एक्शन करना जरूरी है, तुरंत लिखो। या फिर आपके पास में ऐसा कोई टूल होना, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, उसमें कैलेंडर लोड किया हुआ है, ऐप है कैलेंडर का, उसमें आप लिख सकते हो, या फिर टू डू लिस्ट में आप जो ऐप है उसमें आप लिख सकते हो। तो आपने जो भी थॉट आया उसके ऊपर एक्शन लेना है, फटाक से मोबाइल निकाला, टू डू लिस्ट में उसमें डाल दिया या डायरी में लिख लिया। एक्शन करना है तुरंत एक्शन कर डालो उसके ऊपर, कृति करना है तो, नहीं करना है कृति लिख डालो, और बाद में उसके ऊपर जब कृति करना है तो कैलेंडर में उसको पोस्टिंग करो कि भाई मुझे ये काम कब करने का है, कौन से दिन करने का है, कितने बजे करने का है। अब ये जो थॉट्स है, ये जो पेन इट डाउन यदि आपने किया, लिख दिए कहीं, तो उससे फायदे क्या क्या होंगे? उससे फायदा ये होगा कि आपको बार 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 वो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि मैं भूलूंगा तो नहीं, भूलूंगा तो नहीं, बार 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 माइंड, तो माइंड क्या रहेगा, माइंड फ्री रहेगा। फिर उससे काफ़ी सारी एनर्जी जो है, ताकत मेरी बचेंगी, सेव होंगी, क्योंकि मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ताकत से होगी, एनर्जी सेव का कार्यक्रम है ये। जब मैं कहीं लिख के रखा हुआ है तो मेरा दिमाग फ्री है, तो मैं लोगों को अच्छा सुन सकूंगा, टू लाइक प्रेजेंट टू द प्रेजेंट में रहूंगा, प्रेजेंट में रहूंगा मैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मैं लोगों को अच्छा सुन सकूंगा। मेरी क्रिएटिविटी जो है, सृजनशीलता या रचनात्मकता, वो बढ़ जाएंगी, क्रिएटिव रहूंगा, क्योंकि मेरा माइंड दिमाग अंदर घुसा हुआ नहीं, मैं बाहर हूं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकूंगा, मेरा मन शांत रहेगा, मेरी सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ एस्टीम, वो बढ़ेंगी, और पहले से फिर मुझे सब चीज़ें याद रखना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो अभी पहले क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, वो रखने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ है, कोई काम है, कोई विचार आ गया है, पेन इट डाउन लिखो, तुरंत आप वो काम कर सकते हो, डू इट ऑन योर ओन, इमिजिएटली काम करो। नंबर दो, आपको इमिजिएटली काम करना नहीं है, आप किसको डेलीगेट कर सकते हैं तो देखो किसके ऊपर सौंप सकते हैं काम, वो सौंप दो और उससे वो काम करवा के लो। तीसरा, वो काम को डिले कर सकते हो कि नहीं मैं ये काम कल करूँगा या परसों करूँगा, उसको कैलेंडर में डाल सकते हो, बाद में रात को आराम से जब आप बैठेंगे तब, प्लानिंग करेंगे तब कैलेंडर में डाल दो। तो डू इट, डेलीगेट इट, दूसरा मैंने बोला, तीसरा मैंने बोला डिले, बाद में करना, और चौथा है डंप, मतलब कुछ काम है कि जो हमको करना ही नहीं, विचार आया था मैंने लिख के रखा था मेरे को करना ही नहीं, वो डंप करो, वो वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दो।
तो पेन इट डाउन, डू इट, डेलीगेट इट, डिले इट और डंप इट, चार डी है, फोर डी 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 डी। वो यदि आप करते हैं आपका दिमाग खाली रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रिलैक्स रहेगा, लिसनर अच्छे हो जाएंगे आप, काम अच्छे हो जाएंगे, काम में मजा आ जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। जैसे सादी बात है कि बीवी बोलती है कि बाजार से ये लाओ और आने के समय एक चीज़ भूल जाते हैं और फिर घर में झगड़ा, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। बहुत बड़े काम करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आप बड़े बड़े काम लाइफ में कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।